मसीह में। भाइयों बहनों या प्रिय बच्चों, आज पूरे देश में इस कोविड महामारी के बीच बाहरी तैयारियों से ज्यादा आध्यात्मिक तैयारी के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको क्रिसमस की सभी शुभकामनाएं अदा करता हूं। आप सब जानते हैं बहुत सारे लोग घर के अंदर है, बाहर नहीं निकल सकते, बहुत सारे निराशामय जीवन बिताते हैं, बहुत सारे लोग दुखित। इन दुखियों के लिए, दुख तकलीफ झेलने वालों के लिए प्रभु मसीह एक रक्षक रूप में जन्म दिया। एक बार जोनी नामक एक लड़का ने अपने पल्ली पुरोहित के सामने आकर पुरोहित से पूछा, क्या आप ये बता सकते हैं कि ईश्वर ने इंसान को दिए हुए सबसे अहम और महत्वपूर्ण तोहफा क्या है या इनाम क्या है? पल्ली पुरोहित ने जोनी की कंधों पर हाथ डालते हुए उनसे कहा, इस पूरे संसार के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर ने इंसान को दिए हुए सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है क्रिसमस या प्रभु मस। इंसान को ईश्वर बनाने के लिए ईश्वर ने इंसान का रूप धारण करने का सुंदर सुदिन है क्रिसमस। इसलिए संत योहान के सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया है हमें आनंद जीवन देने के। पिता परमेश्वर ने इंसान को आनंद जीवन देने के लिए अपने पुत्र इकलौते को इस धरती पर भेजा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार नहीं है। प्रभु मसीह ने कोई धर्म की स्थापना नहीं किया। जो प्रभु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें ईसाई कहते हैं। प्रभु मसीह पूरे संसार के लिए आए। हम देखते हैं कि जो प्रभु मसीह का जन्म हो गया, हम देखते हैं माता मरियम और यूसुफ प्रभु मसीह को जन्म देने के लिए बहुत सारे जगह पर आश्रय लेने के लिए कोशिश किया और कई सत्रों पर उसने कड़कड़ाया है, लेकिन कहीं पर जगह नहीं था। आखिर प्रभु मसीह को एक छरनी में जन्म देते हैं और उस वक्त स्वर्गदूत आकर गढ़ियों को संदेश देते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:10 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में अपने मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज दाऊद के नगर में अपने मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु मसीह सिर्फ हम भारतवासियों के लिए नहीं है, हम एशियावासियों के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए जन्म लिए एकमात्र ईश्वर के पुत्र है प्रभु मसीह। इस जन्मदिन को मनाते वक्त मेरा और आपका कर्तव्य यह होता है कि दुनिया के सामने यही दिखाने के लिए कि प्रभु मसीह इस दुनिया के लिए जन्म लिए एकमात्र प्रभु मसीह। संत पापा फ्रांसिस 2017 के क्रिसमस संदेश में ऐसे कहते हैं कि यू आर द क्रिसमस, आप ही क्रिसमस है। यू आर द क्रिसमस ट्री, यू आर द क्रिसमस एंजल, यू आर द क्रिसमस की। जब आप अपने हृदय में प्रभु मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु की वचनों के आधार पर एक दूसरे को प्यार करते हुए, दूसरों को परोपकार देते हुए, क्षमा करते हुए एक जीवन बिताते हैं, तो आप क्रिसमस पे जाते हैं। एंड यू आर द क्रिसमस लाइट और क्रिसमस स्टार। संत पापा कहते हैं, जब आपकी करनी को, आपको कहनी को देखते हुए लोग प्रभु मसीह की ओर आकर्षित हो जाते हैं और प्रभु की सुसमाचार तुम दूसरों के सामने बांटते हैं,
और उस समाचार को देखते हुए सुनते हुए लोग प्रभु मसीह के सामने आ जाते हैं, तब आप क्रिसमस स्टार बन जाते हैं, दूसरों को ईश्वर की ओर ले आने वाला क्रिसमस तारा आप ही बन जाते हैं। अपने जीवन द्वारा, अपने जीवन रूपी वृक्ष द्वारा प्रेम, क्षमा, सहानुभूति, आदर, विश्वस्तता इत्यादि गुणों को उत्पन्न करते हैं, तब दूसरों के लिए एक क्रिसमस ट्री बन जाते हैं। हम अपने पारिवारिक जीवन में क्रिसमस के समय आपस में तोहफा देते हैं। एक पिता अपने पारिवारिक जीवन में, प्रार्थनामय जीवन में, आपसी प्रेम में अपनी पत्नी को प्यार करते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो पिता पत्नी के लिए अच्छे गिफ्ट बन जाते हैं और पत्नी अपने पिता के लिए एक अच्छा तोहफा बन जाते हैं। बच्चे अपने माता पिता की बातों को मानते हुए, उन्हें आदर करते हुए एक निष्ठापूर्वक जीवन बिताते हैं, तब आप अपने पेरेंट्स के लिए एक तोहफा बन जाते हैं। श्री प्रभु मसीह इस क्रिसमस के समय में हमें यह आह्वान करते हैं, हम दूसरों के लिए एक क्रिसमस बने, हम दूसरों के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट बने, हम दूसरों के लिए एक तारा बने और हम दूसरों के लिए एक क्रिसमस ट्री बनने के लिए कोशिश करें। इसलिए इस क्रिसमस मनाते वक्त हम प्रभु मसीह से यह विनती करें, याचना करें कि हम भी दूसरों के जीवन में एक क्रिसमस बनने के लिए, एक क्रिसमस गिफ्ट बनने के लिए, एक क्रिसमस ट्री बनने के लिए, एक क्रिसमस तारा बनने की कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मेरे और आपकी रक्षा के लिए चरणी में जन्म लिए प्रभु मसीह आप सबको आशीष दे। I wish you all happy Christmas and happy New Year.